फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ जापान की तरफ से आ रही है जो कि चाइना को बहुत कंसर्न कर रही है, और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जापान के दो बड़े डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि 26,000 टन डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी के हैं, इनको इज़ुमो क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इनमें दो डिस्ट्रॉयर्स हैं, पहला इज़ुमो, दूसरा कागा। तो देखने में आपको लगेगा कि ये कहीं से भी डिस्ट्रॉयर नहीं लग रहे हैं। अगर आप आर्मामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर खाली सेल्फ डिफेंस के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम ही लगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत दो फलांग्स CIWS हैं और दो CRAM CIWS हैं जो कि इनको शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं। उल्टा यहाँ पर एक डेक दिया गया है जिससे हेलीकॉप्टर्स और इवन वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट हो सकते हैं। तो करीबन 7 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स और 2 सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये एक बार में 12 के अराउंड F-35B एयरक्राफ्ट को भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर ये एयरक्राफ्ट को कैरी करेगा तो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं कहा जा रहा, उल्टा इसे डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान ने पूरी तरीके से ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को त्याग दिया और इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव किए, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 9 को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें ये लिखा था कि जापान एस्पायर करता है इंटरनेशनल पीस को जो कि बेस्ड हो जस्टिस और ऑर्डर पे, और जो जापानीज लोग हैं ये पूरी तरीके से वॉर को रिनाउंस करते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा गया कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए लैंड, सी और एयर फोर्स को जिसका वॉर पोटेंशियल हो, ये कभी भी जापान द्वारा मेंटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो जापान की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स हैं, ये सेल्फ डिफेंस फोर्स कहलाती हैं। तो क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है, इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, बॉम्बर्स, न्यूक्लियर वेपन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक्वायर नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन इनके यहाँ आता है। पर जिस तरीके की ग्रोथ चाइना द्वारा करी जा रही है और जिस तरीके का थ्रेट चाइना द्वारा पोज किया जाता है, इसको काउंटर करने के लिए जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के तौर पर कारगर साबित नहीं होगी। वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को भांपते हुए इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे द्वारा इस आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन को थोड़ा चेंज किया गया था, जिसकी वजह से इनके आर्टिकल में जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली और फर्दर इस आर्टिकल में चेंज किए जाने थे ताकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए अग्री करे। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, उससे पहले चीज़ों को बाईपास करने के लिए इन स्पेशल टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इज़ुमो क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, ये जापान के सबसे बड़े वॉरशिप्स हैं और एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर ही हैं। इनको मॉडिफाई किया जा रहा है F-35 के ऑपरेशंस को इनेबल करने के लिए। तो जो इज़ुमो क्लास का पहला डिस्ट्रॉयर है, जिसे JS इज़ुमो कहते हैं, इसको 2013 में पहली बार अनवील किया गया था, और उस समय जापान और चाइना के जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे सेनकाकू आइलैंड को लेकर। तो सेनकाकू आइलैंड के लिए ये कहा जाता है कि ये जापान की इशिकागी सिटी का पार्ट है जो कि इनके ओकिनावा प्रिफेक्चर में आता है। इशिकागी से इसका डिस्टेंस अराउंड 170 किलोमीटर के अप्रॉक्स का है। वहीं पर ताइवान से इस आइलैंड का डिस्टेंस अगेन 170 किलोमीटर का है। तो इस आइलैंड को ताइवान अपनी प्रॉपर्टी मानता है, और क्योंकि ताइवान की ये प्रॉपर्टी है तो चाइना जो है ये इसे अपनी प्रॉपर्टी मानता है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से ताइवान भी चाइना का हिस्सा है। पर हमेशा से ये आइलैंड जापान के अंडर में ही रहा। इवन वर्ल्ड वॉर टू के बाद US का इस पर कब्जा था, लेकिन फिर से बाद में जापान को ही ये आइलैंड सौंप दिया गया। तो जब से ये पता लगा है कि इस आइलैंड के पास कुछ कीमती रिसोर्सेज मिले हैं, तब से इस आइलैंड को लेकर जापान और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ गई है। और चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए जापान द्वारा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और इसी डिस्प्यूट के पीक पर पहला इज़ुमो क्लास डिस्ट्रॉयर जापान द्वारा अनवील किया गया। तो जो JS इज़ुमो है, इसको 2015 में कमीशन किया गया, और जो JS कागा है, इसको 2017 में कमीशन किया गया। और कमीशन होने के बाद से दोनों का अपग्रेड प्रोसेस फिर से चालू हुआ, जिसके अंतर्गत F-35 के ऑपरेशंस के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। और जो बड़े मॉडिफिकेशंस हैं, इसके अंतर्गत जो इनका बो है इसको चेंज किया जा रहा है, और जो सरफेस है
इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ताकि फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सके। बाकी इंटरनल मॉडिफिकेशंस भी किए जाएंगे, इनमें लिफ्ट भी दी गई है जिससे कि ये एयरक्राफ्ट इंटरनली भी कैरी कर सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि इसमें चाइना का कंसर्न कहाँ से है। तो जो दूसरा इजिमो क्लास का डिस्ट्रॉयर है जिसे जेएस कागा कहा जाता है, इसका मॉडिफिकेशन अभी कंप्लीट हुआ है F-35 के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। वहीं पर इंटरनल मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं जिसको ये मानकर चला जा रहा है कि 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि जापान द्वारा करीबन 40 F-35B के ऑर्डर दिए गए हैं, जिनको पहले तो ये कहा जा रहा है कि जापान सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स जो है ये ऑपरेट करेगी, और जो इनके ये सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं इनसे US मरीन कोर के F-35 ऑपरेट होंगे। पर इन F-35 को प्रिक्योर करके जहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये काफ़ी क्लोज आता है इनके नेवल बेस के जहाँ पर ये डिस्ट्रॉयर्स रखे जाएंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह फ्यूचर में ये जो इनके डिस्ट्रॉयर्स हैं F-35B को कैरी करें, और ये F-35B जैपनीज सेल डिफेंस फोर्सेस के ही हों, क्योंकि आर्टिकल 9 में बदलाव करने पर काम किया ही जा रहा है। और आयरनी यहाँ पर ये है कि ये जो दूसरा इनका डिस्ट्रॉयर है जिसे जेएस कागा कहा जाता है, ये एक्चुअली जापान के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था जो कि फेमस था पर्ल हार्बर जैसे अटैक के लिए, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर एक और अटैक के लिए फेमस था, और ये अटैक चाइना पर किया गया था जिसके अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट से फ्लाई करके एयरक्राफ्ट ने शंघाई पर बॉम्बिंग करी थी जिसने अच्छी खासी डैमेज चाइना को दी थी। तो इसके नाम से भी चाइना में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जापान द्वारा 100 के आसपास F-35B प्रिक्योर किए जा सकते हैं, और ये जो सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं इनकी संख्या बढ़ सकती है, और फ्यूचर में जैपनीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस द्वारा फुल फ्लेज्ड कैरियर ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं जो कि इनके आर्टिकल के अगेंस्ट जाता है, और इससे चाइना को आपत्ति है क्योंकि ये सारी तैयारियां चाइना के अगेंस्ट ही करी जा रही है। इवन डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर भी जापान अब पहले से ज़्यादा ओपन हुआ है, और जो इंडिया के साथ जापान की मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई हैं ये भी एक इसका एग्जांपल है। तो चाइना स्ट्रेंथ में ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद इसलिए कंसर्न है क्योंकि एक और सुपर पावर धीरे धीरे बन रही है जो कि चाइना के लिए पहले कंसर्निंग नहीं था। जापान और चाइना की जो हिस्ट्री है ये चाइनीज़ लोगों के लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रही है, तो जापानीज़ मिलिट्री का जो राइज दोबारा से हो रहा है ये चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।